गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, आप लोग एसएसटी के आज 14 लेसन पर आ गए। हमने आपसे कहा था पिछली बार 13 लेसन में क्वेश्चन जरा लेंथी हो गए हैं, तो लेंथी मेरी मजबूरी के कारण है, थोड़े से याद भी करना, जो उसमें क्वेश्चन पूछा गया जब तक उसका आंसर क्लियर नहीं देते हैं तब तक वो समझ में नहीं आता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान करना है और उन क्वेश्चनों को लिखना है। जो वर्ड्स नहीं समझ में आते तो किताब के अंदर लिखे हैं, वो आप देख सकते हो, लेकिन समझना है। तो आज इसी के अंतर्गत 14 लेसन है हमारे पास, हाउ वी कम्युनिकेट। अब हम कैसे अपने आप को कम्युनिकेशन में डालें। अब कम्युनिकेशन मींस क्या है? सेंडिंग मैसेज एंड रिसीविंग मैसेज। हम संदेश भेजते हैं, संदेश को प्राप्त करते हैं, तो ये हमारे कम्युनिकेट कहलाते हैं। अब जैसे इसमें लिखा है, एनीथिंग वी स्पीक, लिसन, रीड एंड राइट फॉर एनीवन, वी आर वर्किंग इन ए प्रोसेस टू कम्युनिकेट। कोई भी व्यक्ति बोलता है, सुनता है, पढ़ता है और लिखता है, या किसी भी वर्क को करने का कोई तरीका होता है, वो कम्युनिकेट कहलाता है। अवर कॉन्टेक्ट टू ए कनेक्ट कॉन्टेक्ट पर्सन, हमारे संबंध में, हमारे कॉन्टेक्ट में जो भी व्यक्ति आता है, हम उससे उसी चीज पे बातचीत करते हैं, तो कम्युनिकेट के अंतर्गत ही आती है। इट इज कंसिडर एज द कम्युनिकेशन, इसी को हम कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफ अवर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स लिव फॉर अवे फ्रॉम अस। अब हमारे कुछ सगे संबंधी, हमारे फ्रेंड्स भी बहुत दूर रहते हैं, तो हम उनसे अपनी इतनी बात कैसे करें, कैसे संदेश भेजें। तो पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले हम लोग मैसेज भेजते थे किसे, घोड़े से उस पर सवार होकर एक संदेश जाता था, मैसेंजर लेके जाते थे, या कुछ हम यानी कि जानवरों का भी यूज करते थे, जैसे कबूतर का यूज करते थे, चिड़िया का यूज करते थे इस मैसेज भेजने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब तो मोबाइल उठाया, खटाखट खटाखट लिखा, मैसेज भेज दिया, या नहीं तो बटन दबाया उसका, व्हाट्सएप पे आपने सामने बात कर ली, तो कितना अंतर हो गया है। तो मोस्ट ऑफ अवर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, जो भी हमारे दूर तक रहते हैं, उनसे खूब आराम से बात करते हैं, तो ये लिए कम्युनिकेशन ही कहलाता है। अब आप देखो क्या कहता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मीट देम एवरी टाइम। अगर हम प्रत्येक समय नहीं मिल सकते हैं तो हम अपने मोबाइल के द्वारा मिल जाते हैं। वी सेंड मैसेज टू देम, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मास ऑफ कम्युनिकेशन। तो अभी पहले हम मीन्स कम्युनिकेशन में चल रहे हैं। जैसे आप इस चित्र में देखो, वही घोड़ा बना है, कबूतर ये ले जा रहा है, चिट्ठी को ले जा रहा है, तो किस तरह से पत्रों को भेजा जाता था ओल्डन समय में, पुराने समय में लिखा भी है। देखो, एन एनिशियंट टाइम लीव्स एंड ट्री वार्क वर एडवांस्ड राइटिंग सरफेस मटेरियल बुक्स फ्रॉम द कैप टू पेपर्स स्क्रॉल एन एनिशियंट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया एंड प्रउड। ये आपके इसमें थिंकिंग में दिया गया था, इसको पढ़ो, इससे बहुत अच्छी चीज ज्ञान मिलती है। लेकिन अब क्या है, इन ओल्डन टाइम्स, अब आपकी मुख्य किताब में, इन ओल्डन टाइम्स पुराने समय, पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू साइन लैंग्वेज, साइन के द्वारा भेजते थे अपनी भाषा को। सेवरल टाइम्स दे सेंड मैसेज थ्रू मैसेंजर्स, मैसेंजर्स जाता था, संदेश वाहक जाते थे घोड़े पर बैठ के। फॉर दिस जॉब ट्रेन पिजन हॉर्स एंड कैमल आर यूज्ड।
देखो अभी मैंने बोला था कुछ हमारे पक्षी भी है, कबूतर है, हॉर्स घोड़ी है और हमारी कैमी का भी सहायता लेती थी। टूडे लेकिन आज, आज क्या है, वी हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कैन सेंड और रिसीव मैसेज इन वेरी शॉर्ट टाइम। देखो आगे कोई बात, हम लोग आजकल बहुत कम समय में अपने संदेश को भेजते हैं और उनसे संदेशों को ले लेते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट इस पे, पहले पढ़ते हैं। अब देखिए आपसे पहले का जमाना, आप अभी छोटे हैं, आपसे पहले पहले लेटर आया करते थे पोस्ट ऑफिस से, जिसमें पोस्ट कार्ड ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं चित्र में, इनलेन लेटर भी बना है, एनवलप भी बना है और स्टाम्प टिकट भी बना है। तो ये सभी हमारे पोस्ट ऑफिस से खरीदे जाते थे और लिखकर उसमें मैसेज डाल दिया जाता था लेटर बॉक्स में और वो जाता था हमारे रिलेटिव के पास। ए लेटर इज ए पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले लेटर रहा कम्युनिकेशन में। वी कैन बाई इनलैन लेटर्स, पोस्ट कार्ड, एनवलप एंड स्टाम्प फ्रॉम ए पोस्ट ऑफिस। हमने पोस्ट ऑफिस से क्या क्या चीज खरीदी, पोस्ट कार्ड, लिफाफा और अंतरदेशीय पत्र। इनलैंड लेटर को कहते थे अंतरदेशीय पत्र, ये नीले कलर का आता था। आफ्टर राइटिंग द लेटर, अब उस पर हम अपना संदेश लिखते थे, वी ड्रॉप इन टू द, और लिखकर कहां डालते थे, लेटर बॉक्स में। जो आप देखते हैं पोस्ट ऑफिस के बाहर एक लाल रंग का डिब्बा लगा होता है, उसमें डाल देती थी। अवर लेटर आर कैरिड बाय बस, ट्रेन, एरोप्लेन एंड इवन बाय शिप। हमारी लेटर अब किसके द्वारा जाती थी, बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, एरोप्लेन से, बाय शिप के द्वारा जाती थी। दे रीच अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव इन ए फ्यू डेज, हमारे दोस्तों तक या हमारे सगे संबंधियों तक कुछ दिनों में पहुंच जाते थे। लेकिन विदेश में जाने के लिए एक लेटर आता था एरोग्राम, जो एरोग्राम इज यूज टू सेंड लेटर आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर देश है उसमें हम एरोग्राम के द्वारा भेजा करते थे। अर्जेंट लेटर आजकल भी है, ऐसी बात नहीं है, अर्जेंट लेटर आप कुरियर के द्वारा जाते हैं। हमारे जो पोस्ट ऑफिस में हमारे पास पहले तो स्टाम्प लगा के भेजते थे, अभी भी भेजते हैं, को अब पोस्ट ऑफिस में भी हमारे कुरियर शुरू हो गया है, स्पीड पोस्ट शुरू हो गया है, उसके द्वारा ये जाते हैं अभी भी। तो अर्जेंट लेटर कैन बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट बाई कुरियर, तो आ गया स्पीड पोस्ट और कुरियर के द्वारा जाते हैं। अब एक चीज और इसमें आती है, PIN, पिन, पिन कोड। जैसे अपनी मेंटी का भी कोड है 205001, ऐसे ही 6 डिजिट का बर्ड इंडिया के अंदर सभी शहरों में कोड है। जैसे अपने आए 205001, ऐसी सभी का है। तो पिन कोड, पिन कोड से ये पता चल जाता है कि ये किस शहर का है। तो द पोस्टल डिपार्टमेंट टू अलॉटेड पिन कोड टू डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया, द फुल फॉर्म ऑफ पिन कोड की है पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। ये याद रख लेना है, पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड, इसको हम पिन कहते हैं। अब ये पिन कोड हमारे 6 डिजिट का होता है, सभी जगह 6, जैसे मोबाइल में नंबर है अभी तो सभी के 10 डिजिट का नंबर है, तो ऐसे ही पिन कोड भी हमारे 6 डिजिट का ही रहता था। अब पिन कोड इज ए 6 डिजिट नंबर विच हेल्प टू आइडेंटिफाई द रिक्वेस्ट प्लेस इजली, हम तुरंत आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं पिन कोड की सहायता से कि किस स्थान पर जाना है। अब दूसरा टॉपिक आता है टेलीफोन। पहले तो देखो डिब्बे वाला टेलीफोन होता था जिसमें तार लगी रहती थी, आज उसकी जगह किसने ले लिया, सेलुलर फोन ने, मोबाइल फोन, सेलुलर फोन को कहते हैं मोबाइल फोन। तो
तो द टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब टेलीफोन लेटर से फास्टेस्ट था। वी कैन टॉक टू अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव डायरेक्टली। अब हम इसको डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन। अब टेलीफोन को किसने बनाया ये भी आपको साइंटिस्ट याद होना चाहिए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो देयर ए लार्ज नेटवर्क ऑफ टेलीफोन एक्सचेंज ऑल ओवर द कंट्री, हमारे देश में विदेशों में भी है, लेकिन इसमें एक कोड लगता है, एक आईएसटी कोड लगता है और एक एसटीडी कोड। अब एसटीडी कोड तब तो मोबाइल में बहुत कम रह गया, लेकिन आईएसटी कोड अभी भी मौजूद है जब हम बाहर की तरफ करते हैं फोन। तो आईएसटी और एसटीडी ये दो नंबर रहते थे, सर्विस इनकी सर्विस होती थी। एनेबल अस टू मेक डायरेक्ट कॉल इन अवर पार्ट टू पार्ट, ये हम अपने देश से दूसरे देशों में भेज सकते हैं। टूडे आजकल क्या है, देखो मोस्ट पीपल आर मोबाइल फोन, सबसे ज्यादा सभी के पास मोबाइल फोन होंगे, आप अपने घर में देख सकते हैं। वी कैन कैरी देम विद अस व्हेरेवर वी गो, हम जहां भी जाते हैं तो मोबाइल फोन लेकर जाते हैं, हम जहां भी खड़े हैं वहां तुरंत बेल आ जाएगी और हम अपनी बात कर सकते हैं, इसमें तार नहीं लगे होते हैं। इंस्टेंट मैसेज एसएमएस, एसएमएस की फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये फुल फॉर्म है जरूर याद रखना, शॉर्ट मैसेज सर्विस। कैन ऑल्सो सेंड थ्रू मोबाइल फोन, अब जमाना किसका है, कंप्यूटर का, फैक्स मशीन का, तो फैक्स मशीन में भी क्या है, अब तीसरा पॉइंट से हमारे यहां फैक्स मशीन, फैक्स मशीन देखो, फैक्स मशीन आर आल्सो अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ पब्लिक पीपल, ये भी पब्लिक पीपल के लिए, जैसे आप एक बुक का पेज भेजना है तो फैक्स में डाल दिया तो आपके यहां तुरंत उसको रिसीव कर लिया। अब तो मोबाइल में भी आपको देखते हैं मैसेज होते हैं, उसे कंप्यूटर के द्वारा निकलवा लेते हैं उसका लेटर पूरा, जैसे कि आपको पेपर भी अभी चले थे, ऑनलाइन पेपर का मतलब क्या था, जो हमने पेपर इसमें भेजा आपने उठाया उसी पेपर को कंप्यूटर से घर पे निकाल सकते हैं। तो लेकिन नहीं है वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, सभी के पास तो है नहीं, सबके पास होता तो आज हम अपने सामने बैठ के बात कर सकते थे। तो फैक्स मशीन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ पब्लिक, पीपल कैन सेंड टाइप मैसेज एंड पिक्चर्स इमीडिएटली टू द रिपोर्टेड डिस्ट्रैक्शन थ्रू द मशीन। तो अब इस मशीन के द्वारा हम अपने मैसेज को या अपनी फोटो को किसी तरह के भेजते हैं, जैसे मोबाइल में आप देखते हैं मोबाइल में भी एक एज ए फैक्स है, दूसरे की तरफ फोटो तुरंत चला जाता है, मैसेज चले जाते हैं। तो ये चीज आप आज पढ़ेंगे, कल हम देखेंगे मास कम्युनिकेशन। आज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखा जिसमें हमने कंप्यूटर इंटरनेट भी जुड़ता है, तो ये चीज हम देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब कल है मास ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें न्यूज पेपर टेलीफोन टेलीविजन रेडियो ये सब आते हैं। तो केवल आप इसको पढ़ें और कल क्वेश्चन भेज देंगे, तो क्वेश्चन भी अपने याद कर लेना।